बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। इंडियन आइडल 12 के मंच पर बीते वीकेंड आशा भोसले स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इसमें सभी सिंगर्स ने एवरग्रीन सॉन्ग्स पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। साथ ही सीजन के टॉप 6 सिंगर्स के नाम का भी ऐलान अब हो चुका है। सबकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो वक्त आया जिसका शायद हर किसी को इंतजार था। इस एपिसोड में सीजन का 9th एलिमिनेशन हुआ। इस दौरान अरुणिता कांजीलाल को छोड़कर सभी सिंगर्स खतरे में थे। अरुणिता को इस हफ्ते लोगों के सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और इसी वजह से वो सेफ जोन में थी। ये एलिमिनेशन पूरी तरह से जनता के वोटों पर ही बेस्ड रहा। शो के जज अनु मलिक ने जनता के वोटों के आधार पर एलिमिनेट होने वाले सिंगर्स के नाम का ऐलान किया। अनु मलिक ने बताया कि इस हफ्ते सीजन के पावर हाउस सिंगर आशीष कुलकर्णी को सबसे कम वोट्स मिले हैं और वो इस शो से बाहर होंगे। आशीष ने इस एपिसोड में अभी ना जाओ छोड़कर और दिल लेना खेल है दिलदार का गाने पर शानदार परफॉर्मेंस दी थी। आशीष का नाम सुनते ही सायली कामले और शनमुख प्रिया बुरी तरह रोने लगी। बता दें, आशीष के एलिमिनेशन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा भड़क उठा। फैंस का मानना है कि आशीष की जगह मेकर्स को शनमुख प्रिया को एलिमिनेट करना चाहिए था। एक यूजर ने लिखा, इंडियन आइडल रियली अ वर्स डिसीजन ऑफ एलिमिनेटिंग आशीष कुलकर्णी। Why are you waiting for finale? Will not be surprised if you declare Shanmukh Priya as the winner of this season. Another one wrote, such a worst decision eliminating Ashish Kulkarni. It's all pre-planned. Why Shanmukh Priya is not eliminated after having low votes? Useless Indian Idol. Another one wrote, another unfair eviction. How can they eliminate such a versatile singer like Ashish Kulkarni? He's a fabulous singer, yaar. Showed his disappointment. Writing, you lost our respect Indian Idol, Ashish Kulkarni eliminated. मतलब कुछ भी, क्या चल रहा है? Very disappointed with today's decision. One user called this decision of makers to eliminate Ashish Kulkarni unfair. He wrote, it's unfair to Ashish. He should be in top 3. Please vote to right contestants. वेल, क्या आप फैंस के इन कमेंट्स से सहमत हैं? कमेंट्स में हमें बताइए। आशा भोसले के इस स्पेशल एपिसोड में शो के ट्रॉफी की झलक भी दिखाई गई। साथ ही शो के ग्रैंड फिनाले को भी कंफर्म किया गया कि इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले इस साल 15 अगस्त को होगा। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि फिनाले लगातार 12 घंटों तक चलेगा। आशीष कुलकर्णी के शो से बाहर होने के बाद अब सिंगिंग रियलिटी शो को अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। उत्तराखंड के पवनदीप राजन, महाराष्ट्र की सायली कामले, बैंगलोर के निहाल, हैदराबाद की शनमुख प्रिया, कोलकाता की अरुणिता कांजीलाल और उत्तर प्रदेश के दानिश खान इस शो के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स हैं। यानी इनमें से कोई एक ही ग्रैंड फिनाले में इंडियन आइडल सीजन 12 का विनर बनेगा। वेल, आशीष कुलकर्णी के एविक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है टॉप 6 में जगह पाने वाले ये 6 कंटेस्टेंट्स ये पोजीशन डिजर्व करते हैं? कमेंट्स के जरिए हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।